YouTube चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर। आज हम हैं जैसलमेर में और हम आपको दिखाने जा रहे हैं पतवों की हवेली, जो कि जैसलमेर की एक बहुत ही फेमस जगह है। इसे हवेली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हवादार वेंटिलेटेड प्लेस है रहने के लिए। इसमें बहुत सारे झरोखे हैं। पहले के जमाने में जितने भी व्यापारी लोग थे, उनका रॉयल फैमिली से काफी अच्छे टर्म्स थे। क्यों थे? क्योंकि वो लोग मोस्टली जैन थे एंड अपनी सिक्योरिटी के लिए रॉयल फैमिली को सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे। जो ज्वेलरी वगैरह का काम करते थे, उन्हें नाम दिया गया था पतवा। ये कॉन्टिन्यू 5 हवेली बनी हुई है। बापना जी के द्वारा ये हवेली स्थापित की गई है और हर एक, इनके 5 बेटे थे तो हर एक बेटे के लिए एक हवेली उन्होंने बनवाई है। इस हवेली को बनने में 7 साल का समय लगा और बहुत ही बारीकी से यहाँ पे काम किया गया है। एंट्री फी है हवेली की और सिर्फ एक ही हवेली ओपन है, तो चलिए चलते हैं हवेली के अंदर। पतवों की हवेली इज एक्चुअली द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट हवेली टू बी कंस्ट्रक्टेड इन जैसलमेर। इसको जीवनलाल कोठारी जी ने 1965 में 60,000 रुपए में खरीद लिया था। तो ये है हवेली का पहला कमरा, बहुत ही शानदार कांच का काम किया गया है। सामने आप देख रहे हैं एक मंदिर है जिसे ट्रैवलिंग टेंपल बोला जाता है, क्योंकि पहले के जैन लोग अपनी दिन की शुरुआत पूजा से करते थे और उनके रास्ते में कहीं कोई मंदिर नहीं आता था तो वो अपने स्वामी जी का मंदिर अपने ऊंट के पीछे कार्ट में ले जाकर कैरी करते थे, इसलिए इसका नाम ट्रैवलिंग टेंपल है। तो आइए आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार है, क्या काम किया गया है कांच का। ये जो गुफा देख रहे हैं, इसमें लोग अपनी कीमती सामान रखते थे और आगे पत्थर लगा देते थे। इस हवेली में पूरा मतलब उन क्या क्या आइटम्स यूज करते थे, कैसे उनके रूम्स होते थे, सिर्फ वही दिखाया गया है। जैसे कि ये रहा उस टाइम का प्रिंटर, ड्रेसिंग टेबल, फैन, और मतलब अब ये देखिए, ये है इनका पंखा जो केरोसिन से चलता था। यार ये क्लॉक टावर तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तेरे को लगता है ये वही ऐसा ही क्लॉक टावर है जो हमने जोधपुर में देखा था? हाँ, और जिसने नहीं देखा तो हमारा वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कृपया जाकर वहाँ पर देखें। फाइनली हम लोग आ गए हैं सबसे आखिरी वाली मंजिल पर। पत्तों की हवेली बहुत ही शानदार तरीके से इन लोगों ने बना रखी है। बेसिकली इसमें अभी तक उनका वही सामान रखा है जो ये लोग यूज किया करते थे, तो ये काफी शानो शौकत से रहते थे। हाँ? हाँ? हाँ?
तो फ्रेंड्स ये थी पतवो की हवेली। 5 हवेली में से एक ही हवेली टूरिज्म के लिए ओपन है, और जब इंदिरा गांधी जी जैसलमेर आए थे तो उन्हें 2 हवेली पसंद आ गई थी, तो उन्होंने उसे राजस्थान का हेरिटेज घोषित कर दिया था। तो ओवरऑल ये है गोल्डन सिटी, यहाँ से आपको सोनार फोर्ट का व्यू भी दिख रहा है प्रॉपर, पूरा बाउंड्रीज के साथ बहुत मस्त नज़ारा है। तो चलिए चलते अब नीचे, ऊपर बहुत ज़्यादा धूप है यार। तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर कुछ शॉप्स है, शॉपिंग के लिए आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जितनी ये हवेली ऊपर बनी हुई है इतनी ये हवेली अंडरग्राउंड में, बट टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। 5ों की 5ों हवेली अंडरग्राउंड में कनेक्टेड है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर।